Dear students, welcome in the video lecture on coordination chemistry. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है coordination chemistry के इस video lecture में, जहां पर हम coordination chemistry का introduction पढ़ेंगे और उससे related कुछ terminology को हम पढ़ेंगे. तो क्या coordination chemistry है और उसके अंदर हम कौन कौन सी terms पढ़ सकते हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर सिंपल सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट्स. तो हमें पहले ये देखना होगा कि सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं. अगर आप देखेंगे सिंपल सॉल्ट्स को, तो आप देखेंगे ये हमने NaCl लिखा है. ओके, NaCl. तो NaCl क्या होगा, जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे पानी के साथ, इसको घोलेंगे, तो आप देखेंगे ये Na+Cl- में क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट. तो अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ये अपने आयंस में टूट जाएगा. फिर आप देखेंगे MgCl2 को भी अगर हम पानी में घोलेंगे, तो अगेन इट विल गिव इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस. ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा, मतलब मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस में. तो अगर मैं इस सॉल्यूशन में सोडियम या क्लोराइड का टेस्ट करना चाहूं, तो मैं आसानी से इनका टेस्ट कर सकती हूं, क्योंकि ये क्या हो गए, सॉल्यूशन में आ गए. और ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूं, मैग्नीशियम और क्लोराइड का भी टेस्ट कर सकती हूं, अगर मेरे पास सॉल्ट होगा MgCl2. अब अगर मैं इस सॉल्ट को देखूं, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो सॉल्ट है, दिस सॉल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स. देखिए, एक तो FeSO4 है और दूसरा क्या है, NH4 होल ट्वाइस SO4. तो एक तो फेरस सल्फेट है और एक क्या है, अमोनियम सल्फेट. तो इस तरीके के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट, दो सॉल्ट. ये क्या है, सिंपल सॉल्ट. NaCl इज अ सिंपल सॉल्ट, MgCl2 इज अ सिंपल सॉल्ट. अलग अलग तरीके के और भी सॉल्ट, सल्फेट हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं. और यहां पर आप देख रहे हैं इसमें दो सॉल्ट हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट. और जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगेन वी गेट आयरन, आयरन मिलेगा हमें, सल्फेट मिलेगा, हम सल्फेट का टेस्ट कर सकते हैं इससे, और हमें क्या मिल जाएगा, अमोनियम आयन. इसका मतलब है कि जब भी किसी सॉल्ट को हम पानी में घोलते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये पूरा अपना आयनाइज हो जाता है अपने आयंस में, और हम इन आयंस का टेस्ट कर सकते हैं, इट डिसोशिएट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस. ओके, लेकिन जब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, तो कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अगर आप देखेंगे, तो हम किन्हें कहते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनको अगर हम पानी में घोलेंगे, इसको अगर हम पानी में घोलेंगे, तो हमें अमोनिया अलग नहीं मिलेगी, कोबाल्ट अलग नहीं मिलेगा, बल्कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये एक, हमें आयन मिलेगा, ठीक है, और एक पार्ट तो हमें ये मिलेगा 3+, और दूसरा पार्ट हमें क्या मिलेगा, ये क्लोराइड आयंस जो बाहर है. Okay? और अगर ऐसा ही मैं दूसरे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर देखूंगी, तो ये अगर मैं इसको पानी में घोलूंगी, तो क्या होगा, 4 तो K+ बनेंगे, और क्या बनेगा, और आप देखेंगे इसमें बन जाएगा एक ये दूसरा आयन. लेकिन आप ये देख रहे हैं यहां पर कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटेगा. दिस इज 4-, ये जो हमने लिखा था ये 4- है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा. अब आप देखेंगे कि ये न तो आयरन का टेस्ट देगा और न ही नाइट्रोजन का टेस्ट दे पाएगा. अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो हमें इस तरीके के क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, जिनमें हम देखेंगे वो कंस्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटा आपने. तो इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, या हम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसे हम जटिल यौगिक भी कहते हैं. और इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे, तो कुछ इस तरीके का होगा, MLN, और यहां आप देख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट में ±M है. तो ये वैलेंसी हो सकती है, ये इसके बाहर से चार्ज हो सकता है, M प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है. अब हम ये देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें M क्या है, L क्या है और N क्या है. देखिए, M क्या है, मेटल. तो जब भी हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है या बनेगा, तो उसमें एक मेटल होगा, जनरली ट्रांजिशन मेटल ये होता है, और या फिर ये लेंथेनाइड हो सकते हैं या एक्टिनाइड हो सकते हैं, और ये लिगेंड होगा. कितने लिगेंड जुड़े हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स N है, और M है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज. ओके, तो अब हम इससे पहले थोड़ा हिस्ट्री देख लें कि जो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें जो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो है प्रशियन ब्लू, K4FeCN6 का होल थ्राइस प्रशियन ब्लू, जो कि ब्लू कलर का होता है और ये 18th सेंचुरी की बिगिनिंग में ही बना लिया गया था। और उसके बाद आप देख रहे हैं 1798 में ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया गया और जिसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया वर्नर ने, और वो किया 1893 में। लगभग आप देख रहे हैं ये 100 साल बाद हमें इनके स्ट्रक्चर पता चले, क्योंकि इनमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं हो पाया पहले, जो कि आप देख रहे हैं जिसकी शुरुआत की ये जो मेटल है और ये जो लिगेंड है इसके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती होगी, इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज आई। और जो सबसे पहली थ्योरी आई वो वर्नर्स थ्योरी थी, जो कि 1983 में दी गई। अब हम, मैंने आपसे कहा कि हम जिक्र करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें आपने देखा, एक तो हमें क्या चाहिए, मेटल, मेटल या सेंट्रल मेटल जिसे हम कहते हैं, एक हमें चाहिए मेटल या फिर मेटल या फिर मेटल का आयन, ओके। और दूसरा जो हमें चाहिए वो है लिगेंड, तीसरा हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, जो टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होंगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यूज होगा, कॉम्प्लेक्स आयन यूज होगा, और साथ में जो यूज होगा टर्म वो होगा काउंटर आयन। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि यूज होंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होती है, जिसमें से मेटल मतलब वो जनरली ट्रांजिशन मेटल आयन होता है, उसमें चार्ज हो सकता है या उसमें चार्ज नहीं हो सकता। अब अगर हम लिगेंड को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि लिगेंड होता क्या है, ठीक है। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वो स्पीसीज होती है, अगर मैं यहां पर आपको फिर से बताऊं कि लिगेंड क्या होती है, हमने कहा कि मेटल है और मेटल के साथ लिगेंड जुड़ा है, तो जनरली ये जो लिगेंड होता है इसकी टेंडेंसी होती है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो इस लिगेंड के पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है मेटल को, ओके। तो जनरली ये बेसिस होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन सफिशियंट अमाउंट में होगा। अब हम देखेंगे कि ये मेटल को जब इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर एक बॉन्ड बनाता है मेटल और लिगेंड के बीच में, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये लिगेंड अगर आप देखेंगे तो इसको हम डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड, क्योंकि हमने कहा कि लिगेंड क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन जनरली डोनेट करते हैं। अब देखिए, अगर इसमें हम पहला टाइप देखेंगे तो वो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डोनेट तो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके, पर साथ में दे आल्सो हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन देयर एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, जनरली अगर मैं मेटल लूं और यहां पर कहूं कि एक लिगेंड है CO, कार्बोनिल का आप पहले ही जो इसका डायग्राम है वो आप पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और वहां आपने देखा था कि इसके पास एक एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो पहली टेंडेंसी तो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की, और दूसरी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की भी होती है, बिकॉज इट हैज एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और जो आपने देखा था कि पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इनके पास होते हैं और ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ओके। तो जिसमें कार्बोनिल है, साइनाइड है, NO है, ये इस तरीके के लिगेंड्स हैं, ओलिफिनिक लिगेंड्स हैं, जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं। दूसरे तरीके के लिगेंड्स होते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड, जो केवल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो भी अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जैसे H2O है, NH3 है, F- है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये केवल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल ये दे सकते हैं। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन से ये देते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये डोनेट करते हैं। तीसरे तरीके के जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं पाई डोनर लिगेंड्स। तो जो पाई डोनर लिगेंड होते हैं उसमें आप देखेंगे जैसे बेंजीन है, इथाइलिन है, तो ये क्या करते हैं, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, बट कौन सा इलेक्ट्रॉन देंगे, जो इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये डोनेट करते हैं। सो दिस क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या है, जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट टाइप से हम उसको
क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसमें जो ये पहला टाइप है आप देखेंगे, ये पहला टाइप है जो कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टर एंड डोनर प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और उसके आधार पर ये तीन तरीके के लिगेंड्स हम कह सकते हैं। एक होते हैं पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर एंड लिगेंड्स दैट आर पाई डोनर लिगेंड्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे वो क्या है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन द लिगेंड। लिगेंड में कितने डोनर एटम हैं, क्योंकि लिगेंड में डोनर एटम होगा एक्चुअल में कोई ना कोई। आप देखेंगे जैसे मैं H2O कहूं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन किससे देगा, ये ऑक्सीजन की साइड से देगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ये इसका डोनर एटम है। ओके, तो लिगेंड में क्या होगा, एक डोनर एटम। तो कई लिगेंड तो ऐसे होते हैं जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे तो उनमें एक डोनर एटम होगा, और अगर वो जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोराइड में तो एक ही डोनर एटम है, NH3 में एक डोनर एटम है दैट इज N। तो उस पर्टिकुलर लिगेंड में कितने डोनर एटम है उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप है उसमें आप देखेंगे, उसमें जो पहला क्लास है वो है मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड। तो ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें केवल एक डोनर एटम होता है, जैसे क्लोराइड है, H2O में कौन है, O है, NH3 में क्या है, N है, तो केवल एक डोनर एटम आपको दिखाई देगा। और अगर मोनोडेंटेड लिगेंड को आप देखेंगे तो इट कैन फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस के बेसिस पर हम फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मोनोडेंटेड अगर आप लिगेंड देखेंगे तो इट मे बी न्यूट्रल, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव। जनरली पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत कम होते हैं। आप देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे H2O है, NH3 है, NO है, CU है, जिसमें कि वो जो अटैच होता है, जो डोनर एटम है, यहाँ H2O में ऑक्सीजन है, NH3 में N है, NO में N है और CU में C है, तो उसके थ्रू ये जुड़ा रहता है। अगर हम नेगेटिव लिगेंड्स को देखेंगे तो क्लोराइड है, एसीटेट है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, आयोडाइड है, डिफरेंट टाइप्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, बट दे हैव सिंगल डोनर साइट, जैसे एसीटेट में ऑक्सीजन है। ठीक है, अब पॉजिटिव को अगर हम देखेंगे तो बहुत कम लिगेंड्स हैं, जैसे NO प्लस है, तो ये पॉजिटिव लिगेंड्स हैं बहुत कम। मैंने आपसे फिर से कहा कि बहुत कम लिगेंड्स ऐसे होते हैं जहां पर पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं और उनमें एक डोनर साइट होती है। ओके, अब अगर आप देखेंगे ये इसके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स भी आते हैं, किसके अंदर, मोनोडेंटेड। तो इसमें क्या होता है, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। ये भी क्या होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट डोनर एटम्स इसमें होते हैं। अब ये दो डिफरेंट डोनर एटम्स जो इसमें होते हैं, जो मेटल है वो केवल एक ही डोनर एटम से अटैच्ड होता है। जैसे अगर आप देखेंगे NO2, तो NO2 में दोनों डोनर है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये या तो नाइट्रोजन की साइड से जुड़ सकता है या ऑक्सीजन की साइड, एक ही डोनर एटम से जुड़ेगा। SCN है तो इसमें S भी डोनर एटम है और N भी डोनर एटम है। CN है उसमें C भी डोनर एटम है, N भी डोनर एटम है। H2O3 उसमें S भी डोनर एटम है और O भी डोनर एटम होता है। तो आप देखेंगे कि ये है मोनोडेंटेड, लेकिन इसमें दो डोनर एटम होते हैं और किसी भी डोनर एटम के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड। इसमें जो दूसरा टाइप है, देखिए पहला टाइप तो आपने देखा मोनोडेंटेड, ये पहला टाइप है। ओके, इसमें जो दूसरा टाइप है वो है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड मीन्स कि उसमें एक से ज्यादा डोनर एटम मिलेंगे। अब ये जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, इट कैन फर्दर क्लासीफाइड इंटू बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो अब ये जो पॉलीडेंटेड होता है, ये फिर से डिवाइड किया जा सकता है बाइडेंटेड, जिसमें दो डोनर एटम होंगे, ट्राइडेंटेड जिसमें तीन डोनर एटम होंगे, टेट्राडेंटेड जिसमें फोर डोनर एटम होंगे, पेंटाडेंटेड जिसमें फाइव डोनर एटम होंगे, हेक्साडेंटेड जिसमें सिक्स डोनर लिगेंड्स होंगे। और ये जो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स हैं, दे जनरली दे आर कॉल्ड एज कीलेटिंग लिगेंड्स। ये कीलेटिंग लिगेंड्स हैं और ये रिंग टाइप कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम कीलेट्स कहते हैं। और कीलेट्स के बारे में ऑलरेडी आई हैड अपलोडेड द वीडियो ऑन कीलेट्स, कि व्हाट आर कीलेट्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, और कौन से ऐसे आप देखेंगे जो जो लिगेंड्स हैं, जो कीलेट्स हैं, वो क्यों इतने स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी हमारी अपलोडेड है। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स यानी मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ
किसके बेसिस पर है? ये डोनर एटम्स के बेसिस पर। जैसे आप यहां पर देखेंगे ये बाइडेंटेड है, देखिए ऑक्सीलेट आयन है, यहां पर देखिए दो इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे अगर, तो ये 110 फिनेंथ्रोलीन है जहां पर दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डायमिन अगर आप देखेंगे तो एक एन डोनर एटम, दूसरा एन डोनर एटम। ओके, फिर आप डाइमिथाइल ग्लाइक्सिम अगर देखेंगे तो ये देखिए आप एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, दो डोनर एटम है। एट क्विनोलिन को अगर आप देखेंगे तो एक है ना दूसरा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स। अगर आप ट्राइडेंटेड लिगेंड देखेंगे तो देखिए डाई इथाइलिन ट्रायमीन है जहां पर आप देख रहे हैं एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन, तो ट्राइडेंटेड है। टेट्राडेंटेड अगर आप देखेंगे तो ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, देखिए 1 2 रेड से मैंने दिखाए डोनर एटम्स, ये देखिए 4। पोरफायरिन रिंग को अगर आप देखेंगे देखिए एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा नाइट्रोजन, टेट्राडेंटेड, तो पोरफायरिन इज आल्सो टेट्राडेंटेड लिगेंड। अगर हम पेंटाडेंटेड को देखेंगे तो इथाइलिन ट्राइमीन ट्राई एसीटेट होगा, तो ये एक ऑक्सीजन है देखिए, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा नाइट्रोजन है, चौथा नाइट्रोजन है और एक क्या है देखिए, तो 5 डोनर आप देखेंगे। और EDTA इज द एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड वेयर यू विल फाइंड 6 डोनर एटम्स, देखिए 1 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है एसीटेट के। तो इस तरीके से ये जो लिगेंड्स हैं दे फॉर्म कीलेट कंपाउंड्स, ये कीलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, फिर आप देखेंगे जो नेक्स्ट लिगेंड से है दे आर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ लिगेंड। तो अब लिगेंड का साइज भी बड़ा छोटा हो सकता है, तो इसमें आप पहली क्लास देखेंगे कीलेटिंग लिगेंड। कीलेटिंग लिगेंड जैसे आपने देखे थे कि ये जो लिगेंड है ये एक एटम से अधिक ओर से मेटल से जुड़ते हैं, तो जैसे अगर इसमें जो है वो दो डोनर एटम होंगे तो ये मेटल होगा, तो देखिए ये ऐसे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन अगर इस पर दो साइड से, तो ये भी एक डोनर एटम होगा और यहां पर भी एक डोनर एटम होगा, तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना देगा, देखिए रिंग स्ट्रक्चर। और यही रिंग कॉम्प्लेक्सेस दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, दे आर नोन एज कीलेट्स। और ये जो कीलेट्स होते हैं दे आर वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये मोनोडेंटेड लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस से बहुत स्टेबल होते हैं, और जो एनहांस्ड स्टेबिलिटी होती है उनको हम कीलेट इफेक्ट कहते हैं। जो कीलेट बनने से जो कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी आएगी उसको हम कीलेट इफेक्ट कहते हैं। दूसरे तरीके के जो लिगेंड्स हैं दे आर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, एंड मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स अगर आप देखेंगे वो भी कीलेटिंग है बट उनमें लार्ज रिंग होती है। और ये आप देखेंगे कि जिन लार्ज रिंग के बीच में आप देखेंगे सेंट्रल मेटल आयन जो है वो रहता है, जिसका एग्जांपल है हीम, हीम है, हीम के बीच में आप देखते पोरफायरिन के बीच में आयरन होता है, और ये बहुत और रिजिड होते हैं कीलेटिंग से भी और इनर्ट होते हैं। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। और ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे उसे हम मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो हम देखेंगे अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज थ्री टाइप ऑफ लिगेंड्स जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड सबसे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देन कीलेट बनाएंगे, देन मोनोडेंटेड लिगेंड्स बनाएंगे। और यहां पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं दिस इज निकिल डाइमिथाइल ग्लाइक्सिम, जहां पर निकिल जो है वो देखिए इतनी बड़ी रिंग के बीच में सेटल्ड है, और इसमें डोनर एटम कितने, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, 3 और 4। और ये रिंग देखिए एक रिंग बन रही है, दूसरी रिंग बन रही है, तीसरी रिंग बन रही है और चौथी रिंग बन रही है, तो ये रिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कीलेट है, और ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के थ्रू बन रहा है, और इसका एक एग्जांपल पोरफायरिन भी है। तो ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि आप देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी दे आर वेरी स्टेबल। चौथे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन देयर यूजेस इन द रिएक्शन। तो अगर हम एक्टर लिगेंड्स को देखें तो दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो यूज हो जाते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रल डेटर लिगेंड्स को अगर आप देखेंगे तो वो कोऑर्डिनेटिवली लिगेंड, टाइटली कोऑर्डिनेटिव लिगेंड्स है। ओके, और टाइटली जब कोऑर्डिनेटिव लिगेंड्स हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जनरली होमोजीनियस कैटालिटिक जो रिएक्शंस होती हैं वहां पर आप देखेंगे स्पेक्टेटर लिगेंड्स होते हैं, तो यहाँ इसके जो एग्जांपल है स्पेक्टेटर लिगेंड्स के फॉस्पिन्स हैं, एलाइल ग्रुप्स हैं, ट्राईपायरल जो बोरेट्स हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड्स हैं, किलेटिंग डाइफॉस्पिन्स हैं, सारे लिगेंड्स जो हैं दीज आर स्पेक्टेटर लिगेंड्स जो कि आप देखेंगे कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट था, पहला मेटल आयन थे टर्मिनोलॉजी, दूसरी टर्मिनोलॉजी थी लिगेंड की, तीसरी टर्मिनोलॉजी है कॉम्प्लेक्स आयन जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड है। तो अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, मेटल आयन
एट द सेंटर, मेटल आयन कहां पर रहेगा, सेंटर में, और उसके साथ चारों ओर क्या जुड़े हुए होंगे, लिगेंड। और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इट इज एनक्लोज्ड इन लार्ज ब्रैकेट्स। तो अगर आप देखेंगे दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, जहां पर आप देखेंगे कि एक सेंट्रल मेटल आयन है, ओके, और ये लिगेंड है, एक नंबर ऑफ सर्टेन लिगेंड्स है, और ये देखिए आप बड़े ब्रैकेट के, ये बड़ा ब्रैकेट है, ओके, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर है और ये इसके ऊपर चार्ज है। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें आप देखेंगे एक सेंट्रल एटम होगा और वो सर्टेन नंबर ऑफ लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड होंगे और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा और इसके बाहर से क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये सेंट्रल एटम और यहाँ पर कुछ लिगेंड्स हैं और इसके ऊपर कुछ चार्ज है और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन। जैसा कि आपने देखा था जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है तो वो किस में टूटता है, देखिए अभी हमने देखा था कि अगर हम देखें CuNH3 होल फोर है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्या है Cl2, ओके, तो ये किस में टूट जाएगा, ये एक तो इस कॉम्प्लेक्स में टूटेगा और दूसरा क्या बन जाएगा, 2Cl-, ओके। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन में टूटता है और काउंटर आयन में टूटता है। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स आयन को हम डिसॉल्व करेंगे तो इट विल आयनाइज इनटू अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड द काउंटर आयन। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है काउंटर आयन, ओके। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 2- चार्ज है तो यहां पर K2 अगर हम लगा दें तो K2NiCN4, तो ये चार्ज क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे कंपाउंड को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो हमें एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और एक काउंटर आयन मिलेगा 2K+। तो अब ये देखें ये काउंटर आयन क्या होता है। तो अगर आप काउंटर आयन को देखेंगे तो पहले हम काउंटर आयन देख लेते हैं। तो अगर आप काउंटर आयन को देखेंगे तो काउंटर आयन वो आयन होता है जो कि कहाँ होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। किसके बाहर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो अभी हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। जनरली जो काउंटर आयन होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर के चार्ज को बैलेंस करते हैं। जैसे यहां पर आप अगर देखेंगे तो अगर मैं इसको अगर पानी में इसको अगर डिजोल्व करूं तो क्या बनेगा, देखिए 4 तो क्या बन जाएंगे, K+ बन जाएंगे, ओके, और मेरे पास क्या बनेगा, FeCN6 4-। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज है ना उसको बैलेंस करता है, देखिए 4K+। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो भी आयन यूज, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज बैलेंस करेंगे जो कि इस ब्रैकेट के बाहर होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन्स कहते हैं। और अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ ये ब्रैकेट के अंदर जो पूरा एरिया है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, वो ब्रैकेट्स के अंदर, बड़े ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज्ड होता है। तो इसके बाहर यहां पर जो भी आयन्स होंगे जो कि इस चार्ज को बैलेंस कर रहे होंगे उनको काउंटर आयन कहते हैं। अब वो काउंटर आयन यहां पर भी हो सकते हैं अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो यहां पर हो सकते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो हम बार बार इसको पढ़ेंगे वो होता है नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड हैं वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, इवन हायर भी हो सकता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के केस में, ओके। और ये कितना होगा ये डिपेंड करता है कि लिगेंड का साइज कितना है, चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेटल का नेचर कैसा है, लिगेंड का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि लिगेंड कितने जुड़ेंगे। और अगर लार्ज मेटल आयन होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि उससे बहुत सारे जो लिगेंड्स हैं वो जुड़ सकते हैं। अगर लिगेंड बल्कि होगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंडरेंस आ जाएगी, ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड। अब आप देखिए ये जो नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड हैं ये ज्योमेट्री को भी क्या करता है, ज्योमेट्री को भी डिसाइड करता है। जैसे आप देखेंगे अगर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब
दो ही, देखिए दो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। तो हमें ज्योमेट्री भी पता चल जाएगी अगर हमें उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स पता है। अगर आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर चार है तो लिगेंड कितने होंगे, देखिए चार आए, चार है, उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, क्योंकि लिगेंड्स ही बताएंगे कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अब आप यहां पर देखिए पांच कोऑर्डिनेशन नंबर है, रेयर कंपाउंड होता है, रेयर होते हैं ऐसे कंपाउंड, ट्राइगनल बाईपिरामिडल हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो सकती है। फिर आप देखिए छह कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, और छह कोऑर्डिनेशन नंबर अगर होगा, छह लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे, तो ज्योमेट्री में भी ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगनल प्रिज्मेटिक। अगर आप सात कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये भी बहुत रेयर होता है, इस केस में कैप डॉक्टाहेड्रन हो सकता है, कैप ट्राइगनल प्रिज्म हो सकता है, या पेंटागनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स यानी कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें पता चलती है ज्योमेट्री ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आठ हो सकता है, हमने कहा आठ हो सकता है, नौ हो सकता है, दस हो सकता है, ग्यारह हो सकता है, बारह। सो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं दे में वेरी, बट जो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं वो बहुत रेयर होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो ज्योमेट्रीज हैं वो हमने यहाँ पर शो की हैं कि कौन कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है। तो अब मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगी, और कंक्लूड करते हुए आप देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि जो सिंपल सॉल्ट्स या डबल सॉल्ट्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे डिफरेंट होते हैं, जो सिंपल सॉल्ट्स हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट में डिसोशिएट हो जाते हैं जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स आयन एंड काउंटर आयन में क्या होता है, आयनाइज होता है। फिर आपने देखा सबसे पहला कंपाउंड जो तो डिस्कवर हुआ प्रशियन ब्लू था। टर्मिनोलॉजीज हमने डिफरेंट पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा कि मेटल आयन कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स या लेंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स। लिगेंड्स के हमने क्लासिफिकेशन देखे कि कौन कौन लिगेंड्स हो सकते हैं, कैसे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर हमने देखा, जब हमें लिगेंड पता चल गया तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े होते हैं मेटल के साथ, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फिर हमने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि लार्ज ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो मेटल है प्लस लिगेंड है प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस उसके ऊपर चार्ज है, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन। और काउंटर आयन जो कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को बैलेंस करता है वो क्या होता है, काउंटर आयन होता है, और वो उसके पूरे उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। और आपने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत केयरफुली और पेशेंसली इस लेक्चर को सुना, सो थैंक यू वेरी मच।